और बताते चले कि दुकानदार सुरेश कुमार निवासी 7C कॉलोनी ने बताया कि उसकी अमीन रोड पर गैस एजेंसी के गोदाम के पास किराने की दुकान है और रात के करीब 9 बजे वह दुकान पर बैठा हुआ था। इसी दौरान 3 युवक उसकी दुकान में घुस आए। उनमें से एक युवक के पास देसी कट्टा था, तो वहीं दुकान में घुसते ही उन्होंने गुल्लक में हाथ मारना शुरू कर दिया। उसने विरोध का प्रयास किया तो युवक उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। वहीं देसी कट्टे के दम पर उन्होंने उसके गुल्लक से करीब 12,000 रुपए निकाल लिए। साथ ही आरोपियों ने मामले की सूचना पुलिस को देने पर जान से मारने की धमकी दी। उसने उनका पीछा करने का प्रयास किया तो उन्होंने हवाई फायरिंग कर दी, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। तो आज ये घटना घटती है तो इसका जिम्मेवार कौन है? पुलिस प्रशासन है। मेन बात यही है, एक 3 दिन पहले एक एप्लीकेशन का एप्लीकेशन क्यों समस्या की समस्या क्यों समझते? क्योंकि पुलिस का एप्लीकेशन लेना और पाड़ के फेंक देना काम है। जब तक कार्रवाई नहीं करेगी तो गुंडागर्दी ऐसे ही बढ़ेगी। यहाँ से 30 मीटर दूर जाके उनसे फायर हुई। अब मुझे ये नहीं पता कहाँ पे फायर करे, क्योंकि मुझे तो वहाँ जो भी है यहाँ से 25-30 मीटर दूर पे फायर करे उन्होंने, क्योंकि मेरे पे फायर करी उन्होंने और उनसे फायर नहीं हुई। कैमरा देख सकते हो सर, कैमरा में हमारा